और देखिए जिस तरह से अभी तो दूसरे चरण के तहत वोटिंग डाली हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन अभी 7 चरणों में ये पूरा चुनाव होना है और इसी बीच एक दूसरे पर वार पलटवार भी किए जा रहे हैं। बिहार के अररिया में इंडिया गठबंधन पर बरसे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वीवीपैट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा, आज कुछ लोगों के सपने चकनाचूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बैलेट लौट कर नहीं आएगा। कुछ लोगों ने ईवीएम को बदनाम करने की कोशिश की, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा कि इस फैसले से दरअसल विपक्ष का सपना चकनाचूर हो गया है। अभिषेक, ईवीएम का मुद्दा हर बार उठता है, चुनावों से ठीक पहले और चुनावों के दौरान भी कई बार विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने चोट की उस फैसले की आड़ में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। ईवीएम को एक मुद्दा विपक्ष बनाता आया है, ये बात अलग है कि ईवीएम तब विपक्ष के दावे से बाहर हो जाती है जब जीतें तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में मिलती हैं, हिमाचल में मिलती हैं। और ये मुद्दा भी उठता आया है कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होती है, हारने पे ईवीएम खराब हो जाती है। और दूसरी बात ये, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है तो आखिरकार कि कहीं तो जाकर के आपको रुकना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बात भी अगर आप नहीं मानेंगे तो पब्लिक इस लोकतंत्र में फिर आप किसकी बात को मानेंगे? तो इसी बात को प्रधानमंत्री सामने रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का मामला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ दिनों पहले इसी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बांड पर दिए गए फैसले को विपक्ष ने जी भर करके उसका फायदा उठाने की, उसको आधार बनाने की कोशिश की। तो अब उसी सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जो विपक्ष के ईवीएम के तमाम दावों के एकदम खिलाफ जाता है। तो अब बीजेपी उसको उठा रही है, पीएम ने उसको सामने रखा हुआ है, पब्लिक डिस्कोर्स में रखा हुआ है। और एक बात इससे जरूर हो गई है कि ईवीएम का जो इशू है वो पीछे गया है और अब मुद्दा आ गया है कि आप अपना मैसेज कितना मतदाताओं तक पहुंचा सकते हैं और अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, अंतिम सत्य यहीं पर आकर के टिक जाता है। जी बिल्कुल, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री भी आज कर रहे थे। ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।